गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम विजुअल बेसिक में डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स। विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो प्रीवियस आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी सब में हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी हर जो भी आप प्रोग्राम डिस्कस करते हैं यानी कि हर एक प्रोग्राम में आपका कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसमें आप कुछ ना कुछ वेरिएबल यूज़ करते हैं, उसमें आप वेरिएबल को एक कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, या आप कंपैरिजन करते हैं, या आप शिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमारा मोस्टली हर प्रोग्राम में हमारे ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। जनरली ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लगभग सभी ऑपरेटर्स सेम ही होते हैं। तो आज हम जो है वो विजुअल बेसिक के ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिसमें कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे मेनली 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। जिसमें कि अगर फर्स्ट ऑपरेटर की बात करें हम, तो फर्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो इसको आइए हम पहले ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, विजुअल बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इन विजुअल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूजफुल टू परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एट्सेट्रा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यानी कि विजुअल बेसिक में अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वह बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो होती है उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इन सबको हम यूज़ करने के लिए जो है वह अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देन अब आप आगे देख रहे होंगे कि एक टेबल डिफाइन कर रखी है यहाँ पर हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हमने टेबल डिफाइन कर रखी है। उस टेबल की हेल्प से हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस फर्स्ट जो ऑपरेटर दे रखा है वह दे रखा है प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन जो होता है इट विल ऐड टू ऑपरेंड्स। आप देख रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्री डिफाइन कर रखी है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है। यानी कि यह जो प्लस साइन है ये हमारे दो ऑपरेंड्स को ऐड करने का वर्क करता है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। ठीक, बात करें अगर हम अपने सेकेंड अरिथमेटिक ऑपरेटर की तो ये होता है हमारा माइनस साइन। माइनस साइन का क्या वर्क होता है कि माइनस साइन जो होता है वह हमारा इट विल सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड्स। यानी कि ये दो ऑपरेंड्स जो हैं ये इसमें से फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले में से माइनस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ए है उसमें से बी माइनस होगा। देन आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन का क्या मतलब होता है, जनरली एस्ट्रिक साइन जो होता है उसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं तो हम दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं। अब आप दे रखे होंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सजेस्ट अवेलेबल इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक, अब यहाँ पर डिवीज़न जो होता है वह 3 टाइप्स का होता है, तो देखते हैं हम कि हमारे 3 टाइप्स का डिवीज़न हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्लैश जो है वो हमारा नॉर्मल डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, लेकिन यह जो स्लैश होता है ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ को शो करता है जहाँ पर हमारा पॉइंट यूज़ होता है। ठीक, यानी कि अगर ये भी आंसर आएगा तो यहाँ पर आएगा a अपॉन b इज इक्वल्स टू 2.0, यहाँ पर आ जाएगा 2.0। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन भी दे रखी है तो यहाँ पर आपका शो करेगा वह 2.0। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.0। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो इट डिवाइड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स एन इंटीजर रिजल्ट। अब जो सेकंड टाइप का जो हमारा डिवीज़न है ये सिंपल हमारा क्या करता है, इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक, यानी कि इसका सिंपल जो है वो आंसर 2 ही आएगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है मॉड्यूलर डिवीज़न। मॉड्यूलर डिवीज़न का क्या मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे
कि यहाँ पर जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो हमारे डिवीज़न में दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं एट द टाइम ऑफ आंसर, फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज़ रिमाइंडर। ठीक, अब ऊपर जो हमने स्लैश की हेल्प से जो डिवीज़न को परफॉर्म किया था वहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमें मिल रहा था, अब यहाँ पर हम देखें तो मॉड्यूलर डिवीज़न में यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि ए मॉड बी, इसका ए मॉड बी का जो आंसर आएगा वो इक्वल टू आएगा ज़ीरो, ठीक, यानी कि 6/3 का जो आंसर आएगा वो हमारा ज़ीरो आएगा। देन ये आपने देखा होगा, ये आता हमारा रेस साइन, मॉड के जस्ट बाद जो में दे रखा है वो हमारा रेस साइन दे रखा है। ये हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इट रेजेज अ नंबर टू द पावर ऑफ एन अदर नंबर, यानी कि ए की पावर बी, यानी कि ए जो है वह हमारा है 6, यानी कि 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई इट सेल्फ बाई 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 216। तो ये हमारे जो होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, तो इन विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू द ऑपरेंड, यानी कि यह असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं यह वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट यह हम यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यू को न्यू वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, ऑपरेंड को, यानी ऑपरेंड में जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको हम न्यू वैल्यू असाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपका ऑपरेटर्स का, इक्वल टू साइन, यानी कि इट विल असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और प्रॉपर्टी, यानी कि ए को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लस इक्वल टू का मतलब होता है इट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड यानी कि यह हमारा क्या करता है लेफ्ट एंड राइट के जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनके एडिशन को परफॉर्म करता है एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, और लेफ्ट ऑपरेंड जो होता है उसके साथ हमारे रिजल्ट को वह डिस्प्ले करता है, यानी कि a plus 10 = a plus 10। समझ रहे होंगे आप अच्छे से इसको। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर हमारा दे रखा माइनस इक्वल टू यानी कि इट विल परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर a माइनस इक्वल टू टेन, तो a इक्वल टू टेन के, ठीक। अब इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए asterisk इक्वल टू यूज़ होता है, इट विल परफॉर्म अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड। सेम जिस तरीके से प्लस माइनस में हो रहा था हमारा, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर देखें आप कि जो लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड होंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन जो होगी वह लेफ्ट ऑपरेंड में जाकर असाइन हो जाएगी, यानी कि a इक्वल्स टू a इंटू टेन, ठीक। इस तरीके से asterisk इक्वल टू की वैल्यू असाइन होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं पावर की, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज़ हो रहा है, यानी कि इट विल रेज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड असाइन द रिजल्ट बैक टू द वेरिएबल, यानी कि पावर साइन जो है वो हमारा यूज हो रहा है a की पावर इक्वल टू टेन का मतलब हो गया a = a की पावर 10, ठीक। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो है ये कॉनकैटिनेट के लिए यूज़ हम
करते हैं, कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ हम करते हैं, यानी कि दो चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि इट विल कॉन्कैटिनेट अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि यह कॉन्कैटिनेट करता है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग वेरिएबल में, एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल, एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल ए एंड इक्वल टू वर्ड, ए एंड इक्वल टू वर्ड इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए एंड वर्ड, यानी कि वह ए को, यानी कि वो ए को वर्ड के साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। देन यहाँ पर शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप देखें इट विल मूव द लेफ्ट ऑपरेंड, इट विल मूव द लेफ्ट ऑपरेंड, ये क्या करेगा टू बिट के लिए लेफ्ट ऑपरेंड जो होगा उसे वह राइट साइड में मूव कर देगा, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड को वो टू बिट के लिए राइट साइड में मूव कर देगा। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये हमारा दे रखा है लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि ये लेफ्ट ऑपरेंड को टू बिट साइड में लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट कर देगा, यानी कि इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हमारा बिट्स की फॉर्म में उसको राइट और लेफ्ट में शिफ्ट करता है। राइट और लेफ्ट का मतलब कि उसमें आप देखते होंगे कि यहाँ पर स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस के अकॉर्डिंग वह राइट और लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, इसके लिए ही हम शिफ्टिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि हम बात करें तो शिफ्टिंग ऑपरेटर हमारे वैल्यूज़ को असाइन करता है शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से। तो आई थिंक आपको ये ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, शिफ्ट ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम वैल्यूज़ को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, किस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेशन को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज जो हमने समझे वह हमने समझे विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर और विजुअल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।